watch complete video and subscribe the channel Neighbor Guru. Dear students, it's the time to discuss chapter 8 of class 6th of science, that is body movements, sharir ki gatividhiyan. Sit absolutely still, ekdam sthir baith jaiye. Observe the movements taking place in your body, aur aap apne sharir mein ho rahi gatividhiyon ko observe kijiye. You must be blinking your eyes time to time. Aap samay ke anusar aap apni aankhein jhapka rahe honge. Observe the movements in your body as you breathe, aur jaise hi aap saans lete hain us pal ko aap observe kijiye. There are so many movements that happen in our body. Hamare sharir mein kafi sari gatividhiyan hoti rehti hai. When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? Or when you turn and look at your friend, जब आप अपने कॉपी में लिख रहे हो तब आप अपने शरीर का कौन सा हिस्सा मूव कर रहे होंगे? ऑफ कोर्स आप हाथ को मूव कर रहे होंगे. और जब आप मुड़ रहे हो या फिर आप अपने दोस्त की तरफ देख रहे हो तब आप अपने शरीर का कौन सा हिस्सा मूव कर रहे होंगे? ऑफ कोर्स नेक. ओके, different parts of your body move while you remain at the same place. अलग अलग जो अंग हैं हमारे जो body के शरीर के अलग अलग अंग हैं वो move करते होंगे, move कर रहे हैं जबकि हम एक ही जगह पर बैठे हैं. इन examples में हमने देखा. Okay, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. आप भी एक जगह से दूसरी जगह पर move करते होंगे, जैसे आप उठते होंगे या आप अपने शिक्षक के पास जाते होंगे, आप अपने स्कूल के कंपाउंड में, यानी कंपाउंड हेयर मीन्स स्कूल के आंगन में. ओके, स्कूल का जो प्रांगण होता है उसमें जाते होंगे. और गो होम आफ्टर स्कूल, या फिर स्कूल के बाद आप घर पर जाते होंगे. ओके, यू वॉक, रन, स्केप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, आप चल कर जा रहे हो, दौड़ रहे हो, स्कीपिंग कर रहे हो यानी रस्सी कूद रहे हो, जंप कर रहे हो या वैसे ही आप कूद रहे हो, और या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हो. लेट अस सी how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with our friends and teachers and parents. तो चलिए हम देखते हैं कि जो animals हैं, जो पशु हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं. हम table 8.1 में कुछ information को gather करके हम इन movements को समझेंगे after discussing. हमारे जो friends यानी दोस्त हैं, शिक्षक हैं या फिर parents हैं, उनसे हम डिस्कस करने के बाद पशुओं में जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में पता लगाएंगे. लेट्स सी व्हाट बुजो वंडर्स. बुजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स. ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स. तो बुजो आश्चर्यचकित है कि वो सोच रहा है क्या जो प्लांट्स है वो भी किसी तरह की गतिविधियां शो करते हैं. ही नोज दैट दे डू नॉट मूव. उसको पता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर तो नहीं जाते, बट दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स. तो क्या वो दूसरी किसी तरह की मूवमेंट को शो करते हैं? येस, ऑफकोर्स वो दूसरी मूवमेंट्स का शो करते हैं. जैसे प्लांट्स ग्रोथ करता है, ओके, उनके जो पत्तियाँ हैं वो सूख जाती हैं या नई पत्तियाँ आती हैं या उन पर फूल खिलाते हैं. ओके, फ्लावर ब्लूम्स एट देयर ब्रांचेस, जो ब्रांचेस हैं वो भी काफ़ी विकसित होती हैं. ओके, काफ़ी तरह की मूवमेंट्स वो शो करते हैं. लेट्स सी व्हाट डज टेबल 8.1 शोज एट shows us. It shows that how do animals move from place to place. और ये हमें दर्शाता है कि जो animals हैं, पशु हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं. In the first column, it is written the names of the animals. Okay, तो यहाँ पर first column में जो animals हैं, जो पशु हैं, उनके नाम लिखे गए हैं. In the second column, body part used for moving from place to place. जो body parts हैं, यानी कि जो शरीर के अंग हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको लिखा गया है. या जो नहीं लिखे गए हैं वो आपने फिल करना है. ओके, हाउ डज द एनिमल मूव. तो एनिमल मूव कैसे करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता कैसे है, तो ये आपने इस थर्ड कॉलम में फिल करना है. ओके, मैं कुछ आपको डिस्कस करके बता भी देता हूँ. जैसे काऊ है, वो अपने लेग्स के साथ मूव करती है. और कैसे मूव करती है? वॉक करके, यानी कि चल करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है. ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी अपनी लेग्स का इस्तेमाल करते हैं
क्या चीज करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए. ओके, स्नेक है, स्नेक की जो पूरी की पूरी बॉडी है वो उसकी मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में. ओके, और स्नेक जो है कैसे चलता है, स्लीथर करके, यानी कि रेंग करके चलता है. स्लीथर हेयर मीन्स रेंगना. ओके, जो बर्ड्स हैं वो किस चीज का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में जो बर्ड्स हैं वो विंग्स का यूज करते हैं, यानी कि पंखों का यूज करते हैं. ओके, और वो जाते कैसे हैं, बाय फ्लाइंग. ओके, उड़ करके जाते हैं. इंसेक्ट हैं वो भी अपने विंग्स का यूज कर लेते हैं. ओके, और फ्लाई करके यानी उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. जो फिश है यानी मछली है वो अपने फिन्स का, यानी कि जो उसके पंख होते हैं पंखों की तरह जो उसके जो फिन्स होते हैं उनका यूज करके कैसे जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, स्विमिंग करके. ओके, यानी कि तैर करके. और स्टेबल को आप अपनी मर्जी से आगे भी बढ़ा सकते हैं. ओके, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये जो हमने देखे कि वॉक यानी चलना, दौड़ना, फ्लाई उड़ना, जंप यानी कूदना, ओके, क्रीप यानी सरकना या खिसकना, ओके, क्रॉल यानी रेंगना या घुटनों के बल चलना, स्लीदर यानी कि रेंगना, और स्विम यानी कि तैरना. और ये कुछ एक्टिविटीज, ये जो मोड ऑफ मूवमेंट थे ये हमने देखे. ओके, कि कैसे जो एनिमल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं. ओके, व्हाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो इन मूवमेंट्स के अंदर इतना सारा डिफरेंस क्यों है, ये मूवमेंट्स अलग अलग क्यों है, कि कोई वॉक कर रहा है, कोई फ्लाई कर रहा है, कोई जंप कर रहा है, कोई स्लीदर कर रहा है. ओके, तो ये मूवमेंट्स डिफर क्यों है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. ओके, व्हाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक व्हाइल अ स्नेक स्लीदर और क्रॉल एंड अ फिश स्विम्स. तो ऐसा क्यों है कि कोई एनिमल तो है वो चल करके जाता है, कोई रेंग रहा है, ओके, कोई क्रॉल कर रहा है, कोई जो फिश है वो स्विम कर रही है. तो ऐसा क्यों है, ये सभी चीजें हम इन चैप्टर से समझेंगे. ओके, लेट्स मूव टू द सेक्शन 8.1, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स. जो मानव शरीर है और उसकी गतिविधियां हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वैरायटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स. तो शुरुआत में हम अपने शरीर की कुछ एक्टिविटीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बिफोर लुकिंग टू द वैरायटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स. पशुओं में गतिविधियों की जो प्रकार है, वैरायटीज है, उनको देखने से पहले हम अपने शरीर की कुछ एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं. डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स व्हाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस? क्या आपने अपने स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए एंजॉय किया है? आप अपने हाथ और पाँव को कैसे मूव करते हैं उन एक्सरसाइजेस के दौरान? लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ. तो हम उन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं जिनको जिनको करने में हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, समर्थ है, यानी योग्य है. ओके, कैपेबल है. बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट. ओके, आप जो एक सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक विकेट है. ओके, और आपने उसकी तरफ एक इमेजिनरी बॉल को फेंकना है. ओके, हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आप अपने हाथ को कैसे मूव करते हैं? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर और इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या आप अपने हाथ को कंधे पर से एक सर्कुलर में, यानी कि गोलाकार शेप में आप घुमाते हैं? डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका कंधा भी मूव करता है? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. आप लेट जाइए और अपने पाँव को अपने हिप्स की मदद से आप रोटेट कीजिए, घुमाइए. ओके, बैंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी. आप अपने पाँव को घुटनों से, यानी कि नी से मोड़िए, और जो अपने हाथ हैं उनको कोहनी से मोड़िए. ओके, स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवेज. आप अपने जो हाथ हैं उनको साइड में, यानी कि आपके साइड में स्ट्रेच कीजिए. ओके, बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स. और आप अपने हाथ को बेंड कीजिए, स्ट्रेच करने के बाद आप अपने हाथों को बेंड कीजिए और अपनी फिंगर्स उंगलियों से आप अपने कंधों को टच कीजिए. ओके, अपने कंधों को छूए. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आप अपने जो हाथ
हाथ है उसका कौन सा हिस्सा आपने बेंड किया है, यानी कि कौन सा हिस्सा आपने मोड़ा है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, आप अपने हाथ को सीधा कीजिए और आप नीचे की तरफ इसको मोड़ने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप ये करने में समर्थ हैं, क्या आप ये करने के योग्य हैं? नो। Try to move the various parts of your body and record their movements in table 8.2. आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न अंगों की गतिविधियों के बारे में नोट कीजिए, उनको रिकॉर्ड कीजिए टेबल 8.2 में। जैसे कि टेबल 8.2 हमें दर्शाता है कि इसमें कुछ बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे नेक है, रिस्ट है, रिस्ट यानी कलाई, फिंगर, अंगुली, नी, घुटना, ओके, एंकल, टखना, जो टो है यानी कि जो पैर का जो पंजा होता है, या अंगूठा जिसको हम अंगूठे को भी टो बोल देते हैं, ओके, बैक यानी कि जो हमारी कमर है, हेड यानी सिर, एल्बो यानी कोहनी, आर्म यानी बाजू, ओके, ये कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं जो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स के बारे में हमें हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करना है कि कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो कम्प्लीटली रोटेट करता है, कौन सा पार्शली यानी कि कुछ हद तक रोटेट करता है, कौन सा बेंड होता है यानी मुड़ जाता है, कौन सा लिफ्ट हो जाता है यानी ऊपर उठ जाता है, और कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, डज नॉट मूव एट ऑल, ओके। ये सभी चीज़ें हमने इस टेबल के अंदर पढ़नी है, ओके। नाउ जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। जैसे नेक है, नेक को हम कम्प्लीटली रोटेट नहीं कर सकते, ओके, इट रोटेट्स पार्शली, वो कुछ हद तक ही रोटेट कर सकती है, ओके। बैंड, यस वी कैन बैंड आवर नेक, ओके। लिफ्ट, यस वी कैन लिफ्ट आवर नेक, हम अपनी गर्दन को ऊंचा उठा सकते हैं, ओके। डज नॉट मूव एट ऑल, नो वी कैन मूव, ओके, तो हम अपनी गर्दन को मूव कर सकते हैं, तो इस लास्ट कॉलम में क्या आएगा, नो आएगा, ओके। रिस्ट है जो कलाई है, और ये जो विभिन्न अंग हैं आप इनको अपने अंगों को मतलब मूव करके आप इस टेबल को फिलअप कर सकते हैं, और भी जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स हैं आप उनकी मूवमेंट्स को भी इस टेबल को बढ़ा करके उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओके। नाउ जस्ट सी व्हाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन, तो ऐसा क्यों है कि हम कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के उनको तो काफ़ी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और कुछ पार्ट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। Why are we unable to move some parts at all? और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम मूव करने में बिल्कुल असमर्थ हैं, यानी कि हम उनको बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। Let's see in activity first that place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. See figure 8.1. It represents that a boy is just putting the lengthwise scale on his or her arm, okay. तो आपने भी ये एक्टिविटी करके देखनी है। Ask your friend to tie the scale and your arm together, okay. और आपने अपने दोस्त को बोलना है कि एक स्केल को वो टाई करे, यानी बांध दे, कहाँ पर, आपके हाथ पर, जैसा कि एक्टिविटी जैसा कि फिगर 8.1 में दर्शाया भी गया है, ओके। नाउ ट्राई टू बैंड योर एल्बो, और अब आप अपनी कोहनी को मोड़ने की कोशिश कीजिए। Are you able to do it? क्या आप इसे करने में आप समर्थ हैं? No, you would not be, okay. Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder or neck? These are called the joints. तो क्या आपने नोटिस किया है कि हम अपने जो शरीर के विभिन्न हिस्से हैं उनको रोटेट करने में या मूव करने में जो है उनको मूव कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं हिस्सों को जहाँ पे हमें लगता है कि दो चीज़ें वहाँ पर जॉइंट हो रही हैं, कोई भी दो चीज़ें जुड़ रही हैं, जैसे कि एल्बो है, कोहनी है, शोल्डर यानी कि जो कंधा है या नेक है, ओके, गर्दन है। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, और इन्हीं प्लेसेस को क्या बोला जाता है, इन्हीं प्लेसेस को जॉइंट्स बोला जाता है, ओके, जोड़ बोला जाता है। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप ऐसे कुछ और जॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं? इफ़ आवर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? तो जैसे और जॉइंट्स हैं, जैसे नी जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, तो काफ़ी सारे जॉइंट्स हैं आप अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है अगर जॉइंट्स नहीं होते तो क्या मूव करना पॉसिबल होता? नो, मूव
ना पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता. व्हाट एग्जैक्टली ज्वाइंड टुगेदर एट दीज ज्वाइंट्स? तो एक्चुअल में जो इन ज्वाइंट्स पर क्या चीज है जो ज्वाइंट होती है, जो जुड़ रही है? ओके, सी, प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टॉज. ओके, आप अपनी उंगली को, अब अपनी फिंगर्स को, अंगुली को क्या कीजिए कि हेड पर, फेस पर, नेक पर, नोज पर, नाक पर, कान पर, या फिर आप बैक ऑफ द शोल्डर पर, ओके, शोल्डर के पीछे, हैंड्स पर, लेग्स पर, इन सभी जगह पर आप अपनी उंगली को दबाइए. ओके, डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ सख्त जो है, कुछ सख्त चीज यानी कि हार्ड कोई चीज है जो आप महसूस करेंगे अपनी फिंगर के अगेंस्ट? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स, जो हार्ड स्ट्रक्चर आप फील कर रहे हैं इनको हम बोन्स बोलते हैं. ओके, रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड सो मैनी बोन्स. आप इस एक्टिविटी को अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर ट्राई कीजिएगा और आपको देखने को मिलेगा कि इतनी सारी हड्डियाँ हमारे शरीर में हैं. बोन्स कैन नॉट बी बेंट, जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, उनको हम मोड़ नहीं सकते, हम उनको बेंट नहीं कर सकते. सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो, तो हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ सकते हैं? बिकॉज इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट. ओके, तो हम अपनी कोहनी को इसलिए मोड़ सकते हैं क्योंकि कंधे से लेकर के हमारी जो कलाई है वहाँ तक एक सिंगल बोन नहीं है, वहाँ पर अनेक बोन्स हैं. ओके, इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो. यहाँ पर हमारी कोहनी पर जो अनेक बोन्स हैं वो जॉइंट हो रही हैं, यानी कि जॉइंट यानी कि जो बोन्स है वो यहाँ पर मिल रही हैं. ओके, सिमिलरली देर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, और ऐसे ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर काफ़ी सारी हड्डियाँ हैं. वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, और हम अपने शरीर को मोड या फिर मूव कर सकते हैं सिर्फ वहाँ से जहाँ पर जो बोन्स हैं वो जुड़ रही हों, वो मीट कर रही हों. ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, वो हमारी बॉडी में है और उनसे हम अलग अलग एक्सरसाइज को, अलग अलग मूवमेंट्स को उनसे हम डील करते हैं अलग अलग मूवमेंट्स से. ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. तो चलिए हम उनमें से कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. व्हाट इज एक्टिविटी टू सेज? इट सेज दैट रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर. ओके, एक्टिविटी टू हमें कहती है कि एक पेपर स्ट्रिप को हम एक सिलेंडर के अंदर रोल करें. ओके, मेक अ स्मॉल होल इन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन. ओके, ये कहता है कि जो आपके पास अगर कोई रबर और प्लास्टिक की बॉल हो तो उसमें एक होल कीजिएगा. ओके, अंडर सुपरविजन, किसी बड़े के निरीक्षण पर ही, या आपके माता पिता इसमें हेल्प कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर भी इसमें हेल्प कर सकते हैं. ओके, and push the paper cylinder into it as shown in the figure 8.2. okay, jaisa ki figure 8.2 mein darshaya gaya hai, hum abhi dekhte hain figure 8.2 ko. aise hi apni is activity ko karna hai. you can also stick the cylinder on the ball. aap cylinder ko us ball ke upar laga dijiye. okay, put the ball in a small bowl. aap us ball ko ek choti si katori mein rakhiye, jaisa ki figure 8.2 hame show represent kar rahi hai, show kar rahi hai ki making a ball and socket joint, ek बॉल और सॉकेट जॉइंट को कैसे बनाया जाता है. ऊपर एक बॉल है, उसमें एक बॉल रखी है और बॉल पर क्या अटैच है, क्या जो है बॉल के साथ लगाया हुआ है, पेपर सिलेंडर. ओके, डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल. क्या जो बॉल है वो जो बॉल के अंदर, कटोरे के अंदर फ्रीली मूव कर सकती हैं? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? तो क्या जो पेपर सिलेंडर है वो भी रोटेट कर रहा है? इन क्वेश्चंस का आंसर्स आपको अपने शरीर से मिल जाएगा. देखिए कैसे. नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म. इमेजिन कीजिए कि जो पेपर सिलेंडर है वो आपकी बाजू है एंड द बॉल इज इट्स एंड, और जो बॉल है वो इसका सिरा है. ओके, द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट, और जो बाउल है यानी जो कटोरी है वो आपके कंधे का एक हिस्सा है जिससे आपकी बाजू जुड़ी हुई है. ओके, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इन टू द कैविटी होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन.
ओके जो आपका जो राउंडेड एंड है यानी गोलाकार जो शिरा है आपकी हड्डी का, वो दूसरी बोन की यानी दूसरी हड्डी हड्डी का जो कैविटी है, जो होलो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसमें फिट हुआ है। ओके आप देख पाएंगे कि वो कैविटी के अंदर फिट है, जैसा कि फिगर 8.3 में दर्शाया भी गया है। सच अ ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो ऐसा ऐसी जो मूवमेंट है, ऐसा जो जॉइंट है, ऐसा जो जोड़ है, वो मूवमेंट्स को अलाउ करता है सभी डायरेक्शंस में। ओके सभी डायरेक्शंस में गतिविधियों को अलाउ करता है। तो इससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया होगा कि डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल, येस ऑफ कोर्स। ओके कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ये पूछना चाहता है कि आपने जैसे कि एक्टिविटीज आपने इस सेक्शन के बिगनिंग में स्टार्टिंग में आपने पढ़ी की थी कि काफ़ी सारी बॉडी मूवमेंट्स को आपने ऑब्जर्व किया। ओके तो क्या ऐसा ही जॉइंट आप किसी और दूसरी जगह पर बता सकते हैं? एक जगह तो हमने देख ली कि एक जगह तो है शोल्डर में हमारा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, दूसरी जगह है हिप। ओके जो हिप्स हैं उसमें भी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द पाइवोटल जॉइंट। जो पाइवोटल जॉइंट है उसकी तरफ हम चलते हैं। द जॉइंट वेयर ओवर नेक जॉइंस द हैंड हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। वो जॉइंट, वो जोड़ जहाँ पर हमारे जो गर्दन है वो हमारे सिर से जुड़ी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। जैसा कि हम फिगर 8.4 में देखें भी गए, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और ये जो पाइवोटल जॉइंट है ये हमारे सिर को आगे और पीछे या फिर एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट, आगे पीछे दाएं बाएं की जो मूवमेंट्स हैं उनको अलाउ करता है। ओके ट्राई दीज मोमेंट्स, इन मोमेंट्स को आप एक जगह बैठ करके ट्राई भी कर सकते हैं। हाउ आर दीज मोमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कम्प्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो मूवमेंट है हमारे सिर की, जो मूवमेंट है ये हमारे जो हाथों की मूवमेंट है उससे अलग कैसे है, क्योंकि इनका जॉइंट है वो अलग है। वो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था जो कि सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। ओके ये पाइवोटल जॉइंट है जो कि आप हम बोल सकते हैं कि राइट लेफ्ट और जो है ये मूवमेंट्स अलाउ करता है इन द राइट लेफ्ट और फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ओके आगे पीछे और दाएं बाएं की मूवमेंट्स को अलाउ करता है। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। और जो एक पाइवोटल जॉइंट होता है उसमें क्या होता है, एक जो सिलेंड्रिकल बोन है वो एक रिंग के अंदर रोटेट करती है, घूमती है। जैसा कि आप फिगर 8.4 में देख सकते हैं, एक पाइवोटल जॉइंट जहाँ पर कि हमारी जो नेक है वो जो ऊपर हमारे सिर से जुड़ी हुई है। ओके नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ओपन एंड क्लोज द डोर अ फ्यू टाइम्स, दरवाजे को थोड़ी देर के लिए मतलब कई बार बंद कीजिए, खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए। ओके तीन चार बार आप ऐसा कीजिए और आप ऑब्जर्व करेंगे जो हिंग्स ऑफ द डोर केयरफुली, जो हिंग्स हैं जो यानी कि दरवाजे के जो हम हिंदी भाषा में कहें तो जो कब्जे हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिए। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, वो दरवाजे को आगे पीछे मूव करने में मदद करते हैं। ओके लेट्स सी एक्टिविटी थर्ड। इट सेज दैट लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंग। तो हम देखते हैं कि एक जो हिंग है, कब्जा है, वो कैसी मूवमेंट्स को अलाउ करता है। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। आप एक सिलेंडर बनाइए किसी से, या तो कार्डबोर्ड से या फिर कोई जो मोटा चार्ट पेपर है उससे। ओके जैसा कि फिगर 8.5 में दर्शाया गया है। नाउ अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन इन द फिगर। ओके और उसके साथ, उस सिलेंडर के साथ एक पेंसिल को अटैच कीजिए। आपने कैसे अटैच करनी है, बाय पियर्सिंग। ओके उस सिलेंडर को भेदते हुए या उसको छिद्रित करते हुए, उस पेंसिल से उसमें पेंसिल चुभोते हुए। ओके यानी कि किसी चीज़ को अगर भेदना है यानी कि उसके अंदर से सुराख करना है उसको हम पियर्सिंग भी बोलते हैं। ओके नाउ मेक अ होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजली। ओके अब आपने क्या करना है, एक हाफ सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड से, और ऐसा बनाना है कि जो आपने जो सिलेंडर रोल अप करके बनाया था वो उसके अंदर आराम से फिट हो जाए। ओके द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट।
ओके, जो होलो हाफ सिलेंडर है और जो आपने रोल करके जो सिलेंडर बनाया था वो उसके अंदर आसानी से आ जाए एंड अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंग। और वो कैसी मूवमेंट को अलाउ करेगा? वो हिंग की मूवमेंट को अलाउ करेगा। ओके, जैसे एक कब्जा है जो दरवाजे का, उसी की तरह की मूवमेंट को अलाउ करेगा। ओके, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे। ओके, नाउ हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सॉ विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कैसे अलग है? बिल्कुल, क्योंकि वो एक अलग तरह का जॉइंट था और ये एक अलग तरह का जॉइंट है। ओके, वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी फर्स्ट। ओके, हमने इस तरह की मूवमेंट को फर्स्ट एक्टिविटी में जब एल्बो को हमने देखा था, ऑब्जर्व किया था, तब हमने इस तरह की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। ओके, व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.4 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हैंग। ओके, ऑफ कोर्स इट इज डिफरेंट। जो फिगर 8.4 में हमने देखा था वो एक हैंग जॉइंट से अलग है। ओके, बट इट इल्यूस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच अ हैंग अलाउज मूवमेंट्स। बट ये जो है ये क्या करता है, ये उस मूवमेंट को, यानी कि अगर हम कहें तो उस मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसकी व्याख्या करता है, उसको इल्यूस्ट्रेट करता है। ओके, कि किस डायरेक्शन में जो हिंग है वो हमें, जो कब्जा है वो हमें मूवमेंट्स को अलाउ करता है। ओके, द एल्बो हैज़ अ हिंग जॉइंट दैट अलाउज मूवमेंट ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ओके, जो हमारी कोहनी है इसमें क्या होता है, इसमें हिंग जॉइंट होता है जो कि हमें अपने हाथ को बैक एंड फोर्थ ही अलाउ करता है। ओके, जो हमारा हाथ है उसको हम आगे और पीछे ही मूव कर सकते हैं। ओके, कोहनी की मदद से हम सिर्फ उसको आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, बाकी शोल्डर की मदद से तो हम उसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, यू कैन यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड द हिंग जॉइंट। ओके, तो ये जो जॉइंट्स हैं ये कौन कौन सी मूवमेंट्स को ये अलाउ करते हैं ये आपने अच्छे से समझना है। ओके, जैसा कि हमने पढ़ा है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो एक फ्रीली मूवमेंट को अलाउ करता है, पाइवोटल जॉइंट है वो हमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड या फिर राइट और लेफ्ट मूवमेंट को अलाउ करता है, हिंग जॉइंट है वो हमें सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट यानी आगे पीछे की मूवमेंट को ही अलाउ करता है। नाउ वी विल सी द फिक्स जॉइंट। अब हम फिक्स जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। तो कुछ जो जॉइंट्स होते हैं जैसे हमारे हेड में हैं, ओके, वो उन जॉइंट्स से काफ़ी अलग है जो हमने अभी अभी डिस्कस किए। ओके, द बोन्स कैन नॉट मूव एट दी जॉइंट्स। इन जॉइंट्स पर जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, वो मूव नहीं कर सकती, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। ओके, When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? तो जब आप अपने मुंह को वाइड ओपन करेंगे तब आप अपने निचले जबड़े को अपने सिर से थोड़ा सा दूर लेकर जाएंगे, isn't it? है ना? तो ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। आर यू एबल टू मूव इट? क्या आप अपने ऊपर के जबड़े को आप मूव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड व्हिच इज अ फिक्स जॉइंट। क्योंकि आपके ऊपर के जबड़े और सिर के बीच में एक जॉइंट है जिसको हम फिक्स जॉइंट बोलते हैं। ओके, वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, हमने कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जॉइंट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर शेप, डिफरेंट शेप्स? तो जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आकार कौन देता है, अलग अलग आकार कौन देता है? लेट्स स्टडी दैट। इफ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट? अगर आप एक डॉल बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? शायद एक फ्रेमवर्क यानी एक ढांचा तैयार करेंगे। ओके, एक रूपरेखा तैयार करेंगे बिफोर गिविंग द आउटर स्ट्रक्चर, बाहरी स्वरूप या संरचना तैयार करने से पहले, स्वरूप तैयार करने से पहले आप उसको उसका एक ढांचा तैयार करेंगे, है ना? ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप टू अवर बॉडी। और हमारी हमारे शरीर में हमारे शरीर को एक शेप देने के लिए, आकार देने के लिए जो हमारी सभी हड्डियां हैं वो भी एक फ्रेमवर्क यानी एक ढांचा तैयार करते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं। एंड दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। और इस ढांचे को हम क्या बोलते हैं,
स्केलेटन बोलते हैं, ओके, यानी कंकाल बोलते हैं. दैट इज यू कैन सी इन द फिगर 8.7, ह्यूमन स्केलेटन इज शोन हेयर. ओके, द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ. ओके, तो जो ह्यूमन स्केलेटन है यानी कि जो मानव कंकाल है वो जन्म के समय 305 हड्डियों का बना होता है. ओके, एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, और उम्र के साथ साथ ये जो नंबर ऑफ बोन्स है ये चेंज होती रहती हैं, और इट डिक्रीजेस टू 206 बोन्स बाय अडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर. और जैसे ही एक यौन अवस्था में जब कोई आता है तो अडल्टहुड की एज में जब आता है तो ये जो बोन्स हैं ये घट करके 206 रह जाती हैं. क्यों? क्योंकि कुछ बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, और फ्यूज़ हो करके वो क्या हो जाती हैं, मिल करके एक बोन्स बना लेती हैं. ओके, हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन, तो हमें कैसे पता चलेगा ये ह्यूमन स्केलेटन का ही आकार है. हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी, तो हमारे शरीर में डिफरेंट जो बोन्स हैं, अलग अलग हड्डियाँ हैं, उनकी शेप के बारे में, उनके आकार के बारे में हमें कैसे पता चलेगा. वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर्स ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी बाई फीलिंग देम. तो कुछ बोन्स के बारे में, यानी कुछ बोन्स की शेप के बारे में, या फिर कुछ बोन्स की नंबर ऑफ बोन्स, यानी कि जो हड्डियों की गिनती है, यानी कि कितनी हड्डियां हैं, हम कुछ हिस्से में छूकर पता लगा सकते हैं. ओके, वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक अ एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ओके, तो एक इसका ये भी उपाय हो सकता है कि हम एक्सरे इमेजेस को देखें, हमारे शरीर के एक्सरे इमेजेस को. सो डियर स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू, जो एक्सरेज हैं, ओके, एक्सरेज उसको किसने डिस्कवर किया था, उसको एक साइंटिस्ट हुए हैं W. Roentgen, उन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया. ओके, डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली हैव और हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है, क्या कभी आपने, आपके किसी फैमिली मेंबर में से किसी ने एक्सरे का कोई पार्ट, किसी भी बॉडी का पार्ट का एक्सरे कभी आपने देखा है, आपके, आपका या आपके फैमिली मेंबर का. समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट, डॉक्टर्स यूज दीज एक्सरेज इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरी दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स. और कई बार क्या होता है, जब हमें चोट लगती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो डॉक्टर्स हैं वो एक्सरे इमेजेस का यूज़ करते हैं, क्या पता लगाने के लिए कि जो इंजरीज हैं वो हड्डियों तक तो इफेक्ट उसका है या नहीं. ओके, तो उन इंजरीज को, टाइप ऑफ इंजरीज को पता लगाने के लिए, या फिर हम बोले तो वो हड्डियों को इफेक्ट करती है या नहीं, ये पता लगाने के लिए डॉक्टर्स एक्सरे इमेजेस का यूज़ करते हैं. द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडीज, जो एक्सरेज हैं वो हमारी बॉडी के अंदर शेप्स को दर्शाती है. ओके, फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग, ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट. आप अपने फोर आर्म, यानी फोर का मतलब होता है आगे का. ओके, फोर आर्म आगे की जो बाजू है, यानी कोहनी से कलाई तक की बाजू है, उसको अपर आर्म, यानी शोल्डर से जो एल्बो तक की बाजू है, उसको लोअर लेग, और अपर लेग यानी जो नी से एंकल तक की लेग है उसको हम लोअर लेग बोलते हैं. ओके, जो हमारे वेस्ट से नी तक की लेग है हम उसको अपर लेग बोलते हैं. ओके, तो इन सभी जगह आप अपनी जो हड्डियां हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए. ओके, नाउ बेंड योर फिंगर्स. बिफोर दिस यू कैन जस्ट सी द फिगर 8.8 इन विच एन एक्सरे इमेजेस ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स आर शोन. एंकल और नी जॉइंट्स का एक्सरे इमेजेस आप फिगर 8.8 में देख सकते हैं. ओके, सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेजेस. आप अपने नी जॉइंट्स को ऑब्जर्व कीजिए, नी और एंकल जॉइंट्स को, और इस इमेज के साथ उनको जरा कंपेयर करने की कोशिश कीजिए. बैंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बैंड देम एट एवरी जॉइंट. आप अपनी उंगलियों को मोड़िए, क्या आप हर एक जॉइंट पर उनको मोड़ने में सक्षम हैं. हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, आपकी जो बीच की उंगली है उस पे उसमें कितनी बोन्स हैं पता कीजिए. फील द बैक ऑफ योर पाम, आप अपनी जो हथेली है, पाम है, उस
उसकी बैक साइड को फील कीजिए. ओके, इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स. उस जगह पर आपको लगेगा कि काफ़ी सारी बोन्स हैं, इज़न्ट इट, है ना, जैसा कि फिगर 8.9 में शो भी किया गया है. इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी जो कलाई है, रिस्ट है, वो फ्लेक्सिबल है, क्या वो लचीली है. इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स. जो आपकी कलाई है वो काफ़ी छोटी छोटी बोन्स से बनी हुई होती है, जिनको हम कार्पल्स बोलते हैं. ओके, व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन, क्या होता अगर उसके पास सिर्फ एक ही बोन होती. आपके हाथ के हाथ में एक ही बोन होती तो आप अपने हाथ को बैंड नहीं कर पाते. ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्पल्स हैं, जो आपकी कलाई में बोन्स होती हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं, ये 18 नंबर्स होती हैं. ओके, 8 बोन्स होती हैं, 8 कार्पल्स आपकी कलाई में होते हैं. ओके, और जो आप अपने पाम यानी हथेली पर जो आप हड्डियां फील कर रहे हैं, उनको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और वो 5 होती हैं. ओके, 5 मेटाकार्पल्स आपकी हथेली पर होती हैं, हथेली के अंदर होती हैं. नाउ, और उसके आगे जो आपकी अंगुलियां हैं उनमें जो हड्डियां होती हैं, हम उनको फैलेंजेस बोलते हैं. ओके, और हमारी उंगलियों के अंदर 14 फैलेंजेस होती हैं. ओके, 14 फैलेंजेस, दिस इज़ द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी 4. अब हम एक्टिविटी 4 की तरफ चलते हैं. टेक अ डीप ब्रीद एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, एक लंबा सांस लीजिए और उसको थोड़ी सी देर के लिए होल्ड कीजिए. फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन्स बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड द बैक एट द सेम टाइम. और उसी वक्त आप अपनी चेस्ट बोन और बैक बोन को तो हल्के से दबाकर फील कीजिए. ओके, काउंट एज मैनी रिब्स दैट इज बोन्स ऑफ चेस्ट. ओके, एज पॉसिबल. और आप अपनी जो रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, जो चेस्ट की बोन्स हैं, उनको हाथ लगाकर गिनने की कोशिश कीजिए. ऑब्जर्व द फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद द व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स. फिगर 8.10 को देखिए, जिसमें कि एक रिब केज को दर्शाया गया है. रिब केज यानी पंजर, यानी कि जो रिब्स का जो जाल है उसको हम पंजर यानी रिब केज बोलते हैं. ओके, तो उसके साथ अपनी चेस्ट बोन्स को कंपेयर कीजिए. ओके, वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट एंड दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स. ओके, तो हम देख सकते हैं कि जो ये रिब्स हैं वो क्यूरियसली बेंट की गई हैं. ओके, बेंट हेयर मीन्स मोड़ी गई है. और कैसे? अनोखे यानी क्यूरियसली यानी विचित्र रूप से, अनोखे रूप से इनको मोड़ा गया है. ओके, टू फॉर्म अ बॉक्स, एक डब्बा बनाने की नीति से इनको एक विचित्र रूप से मोड़ा गया है. और ये जो रिब केज है, इसी को हम पंजर बोलते हैं, इसी को हम रिब केज बोलते हैं. ओके, देर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट. जो हमारी चेस्ट है उसके दोनों तरफ 12 रिब्स हैं, यानी कि पसलियां जो हैं 12 पसली राइट साइड हैं, 12 पसली लेफ्ट साइड हैं. ओके, नाउ सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज. और कुछ जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं बॉडी के, वो इनके अंदर सुरक्षित होते हैं, इस केज के अंदर, इस जाल के अंदर सुरक्षित होते हैं. ओके, द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू और आई वुड लाइक टू डिलीवर यू इज दैट कि जो ये जो 12 पेयर्स होते हैं, इसमें से लास्ट 2 पेयर्स जो हमारी बीच की हड्डी होती है, इससे कनेक्टेड नहीं होते. ओके, जो बीच की हड्डी जिससे पसलियां जुड़ी हैं, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं, STERNUM. ओके, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं. और लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड विद द स्टर्नम. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बैंडिंग देयर नीज. आप अपने दोस्त से कहिए कि वो नी को यानी घुटनों को बिना बेंड किए, बिना मोड़े, वो अपने टोज को छुए. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. ओके, तो आप अपनी फिंगर को, आप अपनी उंगलियों को अपने दोस्त की गर्दन से लेकर के नीचे बैक तक, कमर तक, उस पर आप अपनी उंगली को चलाएं. ओके, मूव कीजिए. ओके, व्हाट यू फील इज़ द बैकबोन, और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो बैकबोन है, वो हमारी जो कमर की हड्डी है वो है. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टीब्रे. ओके, और ये काफ़ी छोटी छोटी बोन से बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम वर्टीब्रे बोलते हैं. ओके,
The बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे, और ये जो वर्टिब्रे है ये 33 हैं इन नंबर्स, दे आर 33, ओके. ये जो इंटरकनेक्टेड वर्टिब्रे हैं ये 33 हैं, ओके. एज यू कैन सी इन द फिगर 8.11, ओके. द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स, जो रिब केज है, जो पंजर है, ओके, जो पसलियों का जो जाल है, यानी कि जो पसलियाँ हैं वो पीछे की तरफ इस बोन से जुड़ी हुई होती हैं, ओके, इन हड्डियों से, इन वर्टिब्रे से जुड़ी हुई होती हैं. इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, अगर जो हड्डी है, जो हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की जो हड्डी है, कमर की जो हड्डी है, अगर वो सिंगल बोन से बनी हुई होती, तो क्या ये पॉसिबल होता कि हम मुड़ पाते या बेंड हो पाते? मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, ओके. आप अपने दोस्त को कहिए कि वो दोनों हाथ किसी दीवार पर रखकर उसको पुश करें, ओके. डू यू नोटिस, क्या आप नोटिस करेंगे कि जो बोन्स हैं ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, दीज आर कॉल्ड द शोल्डर बोन्स एज शोन इन द फिगर 8.12. जैसा कि आप फिगर 8.12 में देख सकते हैं कि जो हिस्सा उभर कर आएगा, यानी जो मुख्य हिस्सा आपको दिखेगा, जो प्रोमिनेंट होगा, यानी कि जो मुख्य हिस्सा होगा, जो उभर कर आएगा, वो क्या है? वो शोल्डर्स हैं, ओके, वो कंधे हैं. और उनको क्या बोलते हैं? वो है शोल्डर बोन्स, कंधों की कंधे, जो कंधा है उसकी हड्डी है वो, ओके, शोल्डर बोन्स है वो. ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली एंड दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पाल्विक बोन्स एंड दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन. और आप फिगर 8.13 को ऑब्जर्व कीजिए, उसमें आप देख पाएंगे कि एक संरचना है किस चीज़ की, पैल्विक बोन्स की, ओके. और ये वे बोन्स हैं जो एनक्लोज करती है उस पोर्शन को, उस हिस्से को आपकी बॉडी के, जो कि आपका जो स्टमक है उसके नीचे के हिस्से को ये कवर करती है, ओके. और ये वो पार्ट है जिसके ऊपर आप बैठते हैं, ओके. द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर, जो स्कल है, स्कल हेयर वी कैन मीन द, जो हमारा दिमाग है, ओके, या फिर अगर हम बोलें जो स्कल है, या हम बोल सकते हैं इसको, जो हमारा जो मुंह का जो क्या होता है कि जो स्कल को हम, हाँ, खोपड़ी बोल हैं, ओके. जो खोपड़ी होती है, यानी जो स्कल होती है, वो काफी जो बोन्स की बनी होती है, काफी हड्डियों की बनी होती है, ओके. जैसा कि फिगर 8.14 में दर्शाया भी गया है, इट कैन क्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये एक बॉडी का काफी महत्वपूर्ण हिस्से को प्रोटेक्ट करती है, ओके, उसको घेरे रखती है, और वो है ब्रेन, यानी दिमाग, ओके. We discussed many bones and the joints of our skeleton. हमने अपने जो ढांचा है, जो कंकाल है, उसकी काफ़ी बोन्स को हमने डिस्कस किया, ओके. देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट एंड दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज. तो यहाँ पर कुछ एडिशनल पार्ट हैं जिस हमारे स्केलेटन से, जो हमारा कंकाल है, उसके कुछ एडिशनल पार्ट हैं जो कि इतने मजबूत तो नहीं हैं जितने हड्डियां होती हैं, और इतनी मतलब कि उनको बेंट भी कर सकते हैं, उनको मोड़ भी सकते हैं. तो ये क्या है? इनको हम कार्टिलेज बोलते हैं, ओके. तो व्हाट वी कॉल देम कार्टिलेज, ओके. इनको हम कार्टिलेज बोलते हैं, यानी कि उपास्थि या कुरकुरी या चबानी हड्डी, इनको हम बोलते हैं, ओके. फील योर ईयर, आप अपने कान को फील कीजिए, ओके. Do you find any hard bones, hard bony parts that can be bent as shown in the figure 8.15? क्या आप अपने कान की जो ऊपरी हिस्सा है उसमें आप कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वो हड्डी भी लग रहा है और उसको हम मोड़ भी सकते हैं, यानी बेंट भी कर सकते हैं? There do not seem to be any bones here, isn't it? यहाँ पर कोई हड्डी नहीं है, ध्यान रखिएगा. Do you notice anything different between the ear lobe and the portion above it? As shown in the figure 8.16, as you press them between your fingers, तो क्या जैसे कि आपने figure 8.16 में आप observe कर सकते हैं कि क्या
आप फिगर 8.15 में जो हिस्सा आपने पकड़ रखा है और जो फिगर 8.16 में जो हिस्सा पकड़ रखा है, क्या उनमें कोई डिफरेंस है? यस, देयर इज अ डिफरेंस। जो 8.15 में जो हिस्सा पकड़ रखा है उसको हम अपर पार्ट ऑफ द ईयर जो है उसको हम उसके अंदर कार्टिलेज होता है, ओके। और जो नीचे का जो हिस्सा होता है, कान के जो नीचे का हिस्सा होता है, जैसा कि फिगर 8.16 में आप देख सकते हैं, उसको हम ईयर लॉ बोलते हैं, ओके। You do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe is, okay, but not as hard as a bone, okay, isn't it? तो आप देख पाएंगे कि जो ऊपरी हिस्सा होता है कान का वो इतना soft नहीं होता जितना कि ear lobe होता है, okay, और इतना hard भी नहीं होता जितना कि एक हड्डी होती है, ओके। दिस इज कार्टिलेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, ओके। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द ज्वाइंट्स ऑफ द बॉडी, और ये जो कार्टिलेज है ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भी हमें मिलता है, ओके। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट्स एंड कार्टिलेज, ओके। हमने देखा कि जो स्केलेटन है, ओके, जो हमारा कंकाल है, मानव कंकाल है, वो काफ़ी हड्डियों से, काफ़ी जॉइंट से, काफ़ी कार्टिलेज से बना होता है, ओके। यू कुड फील बैंड एंड मूव मैनी ऑफ देम, और उनमें से आप कईयों को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, मोड़ सकते हो या मूव कर सकते हो, ओके। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, आप एक मानव कंकाल के चित्र को आप अपनी नोटबुक में, आप अपनी कॉपी में बनाइए, ओके। एंड यू मस्ट लेबल देम दोज बोन्स इन दैट स्केलेटन, ओके। आप उस स्केलेटन के अंदर जो जितनी भी बोन्स हैं उनको भी आप नाम दीजिएगा। वी हैव लर्न्ड अबाउट द बोन्स इन अवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस टू मूव इन डिफरेंट वेज, हमने अपने शरीर के कुछ हड्डियों के बारे में पढ़ा और कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो हमें मूव करने में सहायता करते हैं। वॉट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू, लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए हम पता लगाते हैं कि जो बोन्स है, जो हड्डी है, इनको मूव करने में हेल्प कौन करता है, ओके। मेक अ लिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद अ थंब, ओके। मेक अ फिस्ट, नॉट अ लिस्ट, ओके। मेक अ फिस्ट, एक आप मुट्ठी बनाइए अपने हाथ से, ओके, और अपने हाथ को एल्बो से मोड़ लीजिए और टच कीजिएगा अपना जो शोल्डर है उससे नीचे का जो हिस्सा है उसको, एल्बो और शोल्डर के बीच का जो हिस्सा है उसको थंब के साथ यानी अंगूठे के साथ टच कीजिएगा, ओके। जैसा कि फिगर 8.17 में हम देख सकते हैं, ओके। यू कैन सी हेयर द रेडिश पार्ट शोज इज द मसल, ओके, दैट वी विल स्टडी नाउ। तो ये जो मसल होगी हम इसको अभी पढ़ेंगे, ओके। डू यू सी यानी चेंज इन योर अपर आर्म, तो क्या जब आप अंगूठे के साथ उसको टच करेंगे तो क्या जो ऊपर का हिस्सा होता है, अपर आर्म होती है, क्या आप उसमें कोई चेंज देख पाएंगे? टच इट विद द अदर हैंड, और दूसरे हाथ के साथ आप उसको टच कीजिए। डू यू ऑब्जर्व अ स्वॉलन रीजन इन द अपर आर्म, क्या आपको उधर कुछ सोजन जैसा कोई एरिया नजर आता है? जो ये सोजन वाला एरिया है, स्वॉलन रीजन है, इसको हम मसल बोलते हैं, इसको हम मांसपेशी बोलते हैं, ओके। द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ एंड नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। तो ये जो मसल है ये बल्ज हुई है, ओके, ये उभर कर आई है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सिकुड़न की वजह से, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, वो सिकुड़न की वजह से लेंथ में छोटी हो गई है। अब अपने हाथ को नॉर्मल पोजीशन पे लाइए, ओके। व्हाट हैपन टू द मसल, अब मसल को क्या होता है? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या वो अभी भी सिकुड़ी हुई है? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। तो अब वो मसल जो है नॉर्मल पोजिशन में आ गई, और ऐसे ही आप अपने पैरों की मसल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन, उनका सिकुड़न आप महसूस कर सकते हैं जब आप चल रहे हो, ओके, या फिर आप भाग रहे हो। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन्स, ओके। जब मसल्स सिकुड़ रही होती है, सिकुड़ी हुई मसल्स जो होती है वो छोटी हो जाती है, स्टीफर यानी सख्त हो जाती है, ओके, और थिकर यानी मोटी हो जाती है। इट पुल्स द बोन्स, जो मसल है वो बोन को पुल करती है, ओके, खींचती है। मसल
वर्क इन पेयर्स, जो मांसपेशियां हैं वो पेयर्स के अंदर वर्क करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है, तब जो हड्डी होती है वो उसी की डायरेक्शन में खींची चली जाती है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, और इसी इस पेयर की जो दूसरी मसल है वो रिलैक्स पोजिशन में होती है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस। और उस बोन को दूसरी दिशा में अगर हमने मूव कराना है तो हम क्या करेंगे, हम उस जब नॉर्मल पोजिशन में अगर कोई भी चीज़ लेकर के आते हैं तो एक जो मसल है वो रिलैक्स रहती है और एक कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, ओके, सिकुड़ी हुई रहती है। तो जैसे ही हम उस जो मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन, तो जो दूसरी मसल है उस टाइम वो रिलैक्स हो जाएगी, ओके। मसल कैन ओनली पुल, सो डियर स्टूडेंट्स, जो एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो मसल है, जो मांसपेशियां, वो सिर्फ पुल कर सकती हैं, जो कहने का मतलब वो सिर्फ खींच सकती है, वो पुश नहीं कर सकती, वो धका नहीं सकती, वो धक्का नहीं दे सकती, ओके, वो सिर्फ खींच सकती है, वो सिर्फ पुल कर सकती है, इट कैन नॉट पुश, ओके। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, और एक साथ यानी कि दो मसल्स को काम करना होगा अगर एक बोन को उन्होंने मूव कराना है तो, ओके। एक बोन की मूवमेंट के लिए दो मसल्स जो हैं वो जिम्मेवार होती हैं, ओके। दोज आर रिस्पॉन्स दो टू मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ अ सिंगल बोन। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? जो मसल्स हैं और बोन्स हैं क्या वो मूवमेंट के लिए हमेशा चाहिए हैं? येस ऑफ कोर्स। तो एनिमल्स कैसे मूव कर करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? व्हाट अबाउट एन अर्थ वर्म और स्नेल? तो क्या सभी एनिमल्स के पास मसल्स होती हैं? अगर देखा जाए तो एक अर्थ वर्म है या स्नेल है यानी घोंगा है, उनके बारे में क्या? तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ द मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स। गेट हेयर मीन्स चाल, ओके। तो एनिमल्स की चाल कैसी है? लेट्स सी द सेक्शन 8.2 दैट इज गेट ऑफ एनिमल्स एंड अर्थ वर्म। लेट्स स्टडी अबाउट द अर्थ वर्म। एक्टिविटी फिफ्थ सेज दैट ऑब्जर्व एन अर्थ वर्म मूविंग ऑन द सॉयल इन अ गार्डन। एक गार्डन के अंदर एक कुछ मिट्टी पर अगर आपको अर्थ वर्म दिखाई दे जाए तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। अर्थ वर्म का अर्थ होता है कैचुआ, जो कैचुए की खाद होती है उसमें आप इसको देख सकते हैं, ओके। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर, ओके। आप उसको धीरे से, जेंटली मतलब हल्के से उठाइए, और उसको कहाँ पर रखना है? उसको ब्लॉटिंग पेपर पर रखना है, ओके। जो पेपर सोख लेता है, या कहने का मतलब जो सोखता कागज होता है उसके ऊपर आप उसको रख दीजिए, ओके। या फिर एक फिल्टर पेपर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसकी मूवमेंट को, उसकी गतिविधि को आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसा कि फिगर 8.18 में आप देख सकते हैं। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। अब आप इसको एक समतल और स्लिपरी सरफेस पे रखिए, या एक ग्लास प्लेट को आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द पेपर? तो क्या ये मूवमेंट उसकी कुछ अलग होगी जो उसकी मूवमेंट पेपर पर थी? इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द पेपर? येस ऑफ कोर्स इट विल बी डिफरेंट, बिकॉज ये जो सरफेस है ये स्लिपरी है, ओके, फिसलने वाला सरफेस है। इन विच ऑफ द अबाउट टू सरफेसेस डू यू फाइंड दैट द अर्थ वर्म इज एबल टू मूव इजली? तो आप क्या देख पाएंगे कि जो दोनों जो सरफेसेस हैं उनमें से कौन से सरफेस पे जो अर्थ वर्म है वो इजली मूव कर सकता है? यू कैन सी दैट इट कैन जस्ट मूव ऑन द अर्थ, ओके, मूव ऑन द सॉयल इजली, ओके, मिट्टी पर ही आसानी से मूव कर सकता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। जो इसकी बॉडी होती है, जो इसकी बॉडी की संरचना होती है वो रिंग्स से बनी होती है, ओके। रिंग्स एक दूसरे के सिरे से सिरा मिला होता है रिंग्स का, ओके। एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, ओके। एक अर्थवर्म में यानी एक कैचुए के अंदर हड्डियां नहीं होती। इट हैज मसल्स विच हैव टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। उसके पास मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है जो उसकी बॉडी को फैलने में और शॉर्टन यानी छोटी होने में मदद करती है, ओके। ड्यूरिंग मोमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। मूवमेंट के दौरान यानी गतिविधियों के दौरान जो अर्थ
वर्म है, कैचुआ है, वो क्या करता है अपने जो फ्रंट का हिस्सा होता है उसको वो एक्सटेंड करता है, फैलाता है आगे की तरफ, और जो पिछला हिस्सा होता है रियर पोर्शन यानी कि पिछला हिस्सा जो होता है उसको क्या करता है, उसको ग्राउंड से सटा करके रखता है, फिक्स रखता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड, और फिर उसके बाद वो फ्रंट एंड को फिक्स कर लेता है और पिछला जो रियर एंड होता है उसको वो मूव कर लेता है, रिलीज छोड़ देता है और वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, और फिर वो अपनी बॉडी को शॉर्टन्स यानी छोटा कर लेता है और पिछला जो हिस्सा होता है उसको आगे की तरफ मूव कराता है। ओके, दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और ये उसको एक छोटा सा डिस्टेंस कवर करने में हेल्प करता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये जो मसल्स का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है इसको रिपीट करके जो अर्थवर्म है वो मिट्टी के थ्रू मूव करता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, जो इसकी बॉडी है वो एक स्लिमी सब्सटेंस को क्या करती है, रिलीज करती है। ओके, यानी चिपचिपा कोई सब्सटेंस रिलीज करती है ताकि उसको चलने में आसानी हो। ओके, हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ द ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, जो उसकी बॉडी है उस वो अपनी बॉडी का जो पार्ट्स है उसको ग्राउंड से कैसे फिक्स करता है, उस स्लिमी सब्सटेंस की मदद से वो फिक्स करता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्टिंग आउट, और जो सब्सटेंस है वो रिलीज कहाँ से होता है या फिर जो उसकी बॉडी है वो फिक्स कैसे रहती है, उसका ब्रिसल्स होते हैं। ओके, ब्रिसल्स यानी कि जैसे कोई बाल, कंटीले बाल होते हैं, बाल टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो वो उसको प्रोजेक्टिंग आउट स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी कि बाहर उभरे हुए कंटीले तरह के बालों की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो उसको मदद करता है उसकी बॉडी को फिक्स करने में। ओके, द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, और ये जो ब्रिसल्स हैं ये उसकी मसल से कनेक्टेड होते हैं, और जो ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और ये जो ब्रिसल्स हैं उसको मदद करते हैं कि ग्राउंड पर वो एक अच्छी पकड़ बनाकर रखे। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉयल, ओके, जो अर्थवर्म है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो मिट्टी के थ्रू यानी कि मिट्टी के अंदर अपना रास्ता खुद खाता है। इट्स इट्स वे, वो अपना रास्ता खाता है तभी तो वो आगे बढ़ता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट एट्स, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा उसकी बॉडी उस मटेरियल को बाहर फेंक देगी। ओके, दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, और ये जो एक्टिविटी है इस कैचवे की, इस अर्थवर्म की जो एक्टिविटी है ये सॉइल को और उपजाऊ बनाता है और यूजफुल बनाता है प्लांट्स के लिए। ओके, पौधों के लिए। नाउ We will study about the snail that is घोंगा। Let's see activity 6। जो activity 6 में एक घोंगा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। घोंगा यानी हम snail को बोलते हैं। Okay, this is the observe a snail in your garden or in field, have you seen the rounded structure it carries on its back? क्या आपने एक घोंगे के ऊपर एक rounded structure देखा है, जैसा कि आप figure 8.19 में देख पा रहे हैं। This is called the shell and it is the outer skeleton of the snail but is not made up of bones. Okay, ये जो shell है ये outer skeleton है, इसका ऊपरी का जो ऊपरी ढांचा है या ऊपरी हम बोले तो इसका जो कंकाल है स्नेल का, ये शेल है। ओके, और ये हड्डियों का नहीं बना होता, ये बात नोट करने लायक है कि ये ढांचा जरूर है लेकिन ये हड्डियों का नहीं बना होता। ओके, द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जो शेल है ये एक सिंगल यूनिट है। ओके, और ये कोई मदद नहीं करता स्नेल को मूव करने में। ओके, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन, ओके अलोंग, तो इसको जो ये जो स्नेल है इसे ये अपना जो शेल है इसको सिर्फ साथ में घसीटते हुए चलना पड़ता है। ओके, खींच कर यानी घसीट कर चलना पड़ता है, इसका कोई ये चलने में मदद नहीं करता क्या, ये जो शेल है। ओके, प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, एक ग्लास प्लेट पर इसे रखिए और उसकी मूवमेंट को देखिए। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ। ओके, तो जैसे ही वो चलना शुरू करे प्लेट को ऊपर उठाइए और उसके नीचे से बीनीथ दैट प्लेट यू हैव टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट्स। ओके, उसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग, एक मोटा स्ट्रक्चर जो है, मोटा जो
स्ट्रक्चर है उस उसको और हेड ऑफ द स्नेल है मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल. ओके, उस शेल से एक काफ़ी थिक यानी मोटा स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा और उसका जो स्नेल का सिर है वो बाहर निकलेगा. ओके, द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फूट. जो थिक स्ट्रक्चर है, जो मोटा संरचना है, तो वो क्या है, वो उसका फुट है. ओके, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल्स का मांसपेशियों का बना होता है. नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, और अब जो ग्लास प्लेट है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए. द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, आपको उसका जो पैर है यानी फुट जिसको हम बोलते हैं, उसका जो लहरेदार लहरेदार हेयर मीन्स वेवी मोशन, उसका वेवी मोशन आप ऑब्जर्व कर पाएंगे. ओके, इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म, क्या जो ये मूवमेंट है स्नेल की स्लो है या फास्ट है एज कम्पेयर टू अर्थवर्म. तो क्या ये जो अर्थवर्म से अगर हमने कंपेयर किया तो क्या ये मूवमेंट जो है ये अर्थवर्म से स्लो होगी या फास्टर होगी. ऑफकोर्स ये जो स्नेल की मूवमेंट है अर्थवर्म से स्लो होगी. ओके, नाउ वी विल जस्ट स्टडी अबाउट द कॉकरोच. लेट्स मूव टू द एक्टिविटी 7. ऑब्जर्व अ कॉकरोच इन द फिगर 8.20, एंड कॉकरोचेज वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर. जो कॉकरोचेज हैं वो चल भी सकते हैं, वो चढ़ भी सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं और वो उड़ भी सकते हैं. ओके, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, उनके पास 3 पेयर होते हैं लेग्स के, यानी कि टोटल 6 पांव होते हैं उनके पास. ओके, दीज हेल्प इन वॉकिंग, ये उनको चलने में मदद करते हैं. द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, और जो उसकी बॉडी है बाहर का एक मजबूत ढांचे से बनी होती है. ओके, मजबूत कंकाल अगर कहें. ओके, जो स्केलेटन होता है मजबूत ढांचा होता है इस कॉकरोच का. दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट. ओके, ये जो बाहरी स्केलेटन है ये नंबर ऑफ प्लेट्स का बना होता है जो कि एक दूसरे से ज्वाइन है. ओके, और ये मूवमेंट को अलाउ भी करती हैं. ओके, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड हेड, इसके सिर के पीछे, जस्ट इसके सिर के पीछे 2 पेयर होते हैं विंग्स के. ओके, तो जो पेयर्स हैं विंग्स के यानी कि इसके जो पंख हैं उनके 2 पेयर होते हैं इसके सिर के पीछे. द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक मसल्स दोज नियर द लेग्स, मूव द लेग्स फॉर द वॉकिंग एंड द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन कॉकरोच फ्लाइज. जो इसकी ये जो कॉकरोच है इसकी अलग मसल्स होती हैं, जैसे पैरों के पैरों की जो मसल्स होती हैं, पैरों से जो मसल्स कनेक्टेड होती हैं, जब वो चलता है तो उसको चलने में मदद करती हैं, जब वो उड़ता है तो जो मांसपेशियां हैं उसको उड़ने में भी मदद करती हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में हम पढ़ते हैं. ओके, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, जो बर्ड्स हैं पक्षी हैं वो फ्लाई यानी उड़ते हैं हवा में और चलते हैं ग्राउंड पर. ओके, सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन्स ऑल्सो स्विम इन वाटर. डक्स और स्वैन्स की तरह जो पानी पर कुछ जो पक्षी होते हैं वो तैरते भी हैं. ओके, द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, जो पक्षी होते हैं वो उड़ते इसलिए हैं क्योंकि जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, उनकी बॉडी की जो संरचना है वो फ्लाइंग को शूट करती है. ओके, देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट, जो उनकी हड्डियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती है. होलो मीन्स खोखली. ओके, और हल्की भी होती हैं. द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टाइपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. ओके, जो हिंड लिम, हिंड का मतलब होता है पिछला हिस्सा. ओके, और लिम्ब यानी कि जो पंख है, जो हिंड लिम्ब है. ओके, तो वो किसके काम आता है, दैट आर टाइपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, तो वो वॉक करने के और पर्चिंग यानी कि बैठने के काम आता है. ओके, एंड द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्ब्स आर मॉडिफाइड. ओके, एज विंग्स, जो बोनी पार्ट्स है यानी कि हड्डी की तरह का जो स्ट्रक्चर है फोर लिम्स का. फोर लिम्स, फोर मीन्स हेयर, FORE मीन्स आगे का या सामने का, और लिम्स मीन जो हड्डियों का जो ये स्ट्रक्चर सा होता है, जो फोर लिम्स होता है या जो इसके पंख में जो फोर लिम्ब होता है वो उसको उड़ने में मदद करता है. ओके, फोर लिम्स को इसमें पंख ही बोला जाता है. ओके, जो पंख हैं उसका जो संरचना होता है फोर लिम्ब से होती है. द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रोंग, जो शोल्डर की बोन्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रोंग होती हैं. और द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन. ओके, जो उसकी ब्रेस्ट बोन्स हैं, ओके, वो मॉडिफाई की जाती है मसल्स को होल्ड करने के लिए. कौन सी मसल्स को,
जो मसल्स उसको फ्लाइट में मदद करती हैं, ओके, जो मसल्स उसको फ्लाई के टाइम यानी उड़ान के दौरान अप और डाउन उसके पंखों को मूव करती हैं, उन मसल्स को ब्रेस्ट बोन्स होल्ड करती हैं, ओके। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फिश दैट इज एक्टिविटी 8। मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, दैट इज फिगर 8.2.2 A पार्ट, ओके। तो इसमें बोला गया है कि पेपर बोट बनाइए, एक पेपर से आप बोट बनाइए और उसको पानी में आप उस सिरे से नैरो एंड से जो तंग कहें या पतला कहें एंड है उसकी तरफ से उसको आगे की तरफ धकेल दें, ओके। डिड इट गो इन टू द वाटर इजली, क्या वो पतले सिरे की तरफ से पानी में आसानी से चली जाती है। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इन टू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड एज शोन इन द फिगर 8.22 पार्ट B, ओके। अब उसको साइडवेज से, पहले आपने नैरो साइड से आपने पुश किया था, अब उसको ब्रॉड साइड से, ओके, जो साइड वे है उस ब्रॉड साइड से आप पुश करके देखिए क्या अब वो नाव जा रही है। आप इस एक्टिविटी को करके देखिएगा, अगर आपने ये एक्टिविटी आप अगर ये एक्टिविटी कर लेते हो तो आप फिश की मूवमेंट को अच्छी तरह से समझ पाओगे। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वॉटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, क्या आप इस साइड से अगर आप बोट को मूव पुश करते हो तो क्या वो पानी में मूव कर पाती है। यू हैव टू जस्ट लुक दैट, ओके। नाउ जस्ट सी द फिगर 8.23, यू कैन सी दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवट लाइक अ फिश, ओके। जो बोट की शेप होती है कुछ ना कुछ मछली की तरह ही होती है, ओके। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, जो हेड है और टेल है उस मछली का अगर हम बोलें, जो सिर है और जो पिछली जो पूंछ है टेल है वो एक जैसी ही है, ओके। देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी टेपोज एट बोथ हैंड्स, ओके। जो मिडल पोर्शन है उसको छोड़ करके जो सिर है और पूंछ है वो एक जैसी है, ओके। और जो बॉडी है उसकी अगर हम कहें तो जो मछली है यानी जो फिश है उसकी जो बॉडी है वो कैसी है, वो आगे और पीछे से एक जैसी है, और बीच का जो हिस्सा होता है वो मिडल पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। और जो बॉडी टेपर्स एट बोथ हैंड्स, और दोनों सिरों पर जो बॉडी है वो टेपर्स है और टैपर बॉडी है, ओके। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, और ऐसी बॉडी शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा होगा टैपर, ओके। टैपर मीन्स जो पतला होता है, पतला या लंबा, ओके, पतला या लंबा सिरा जो होता है, तो आगे और पीछे सिरों पर उसकी जो बॉडी है पतली और लंबी है, ओके। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन द वाटर, तो ये शेप ऐसी है कि जो वाटर है वो उसकी चारों तरफ आसानी से फ्लो कर सकता है और उसको अलाउ करता है, फिश को अलाउ कर सकता है कि वो पानी में आसानी से मूव करे, ओके। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स ड्यूरिंग स्विमिंग एंड मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड, ओके। तो ये जो शेप है, ये जो स्केलेटन है, ये जो ढांचा है फिश का, ये एक कहें तो जो स्ट्रोंग मसल्स है काफ़ी ज़्यादा मजबूत मांसपेशियों से बना होता है, और तैरने के समय ये जो मसल्स हैं जो फिश का यानी मछली का जो फ्रंट पार्ट है अगला हिस्सा है वो एक साइड को कर्व कर जाता है और जो पिछला हिस्सा है वो उसे अपोजिट साइड को कर्व करता है, ओके। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन द फिगर 8.24, ओके। जैसा कि फिगर 8.24 में आप देख सकते हैं ऐसा कर्व वो फिश बना लेती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, ओके। और फिर क्विकली यानी कि जल्दी से उस वो जो बॉडी है फिश की वो टेल को दूसरी साइड कर लेती है और अपने फ्रंट पार्ट को दूसरी साइड कर लेती है, ओके। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड, ओके। जो टेल है उसको वो दूसरी साइड जब रोटेट करती है, दूसरी साइड जब बेंड करती है जल्दी से, तेजी से, क्विकली विद अ जर्क, एक झटके से। जर्क हेयर मीन्स JERK मीन्स झटका, ओके, झटके से खींचना है, ओके। तो जो झटके से वो पुश करती है बॉडी को फॉरवर्ड आगे की ओर, ओके। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड, और ऐसे जो जर्क है ऐसे झटकों को लगातार होना उस फिश को मदद करता है आगे की तरफ बढ़ने के लिए, ओके।
ऐसे जो जर्क्स हैं जो उसकी पूंछ के द्वारा लगाए जाते हैं, वो उसको मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। ओके, जो ये हैं, तो ये जो जर्क्स हैं ये किसकी मदद से लिए जाते हैं, किसकी मदद से झटके लगाए जाते हैं, जो फिन्स ऑफ टेल हैं, जो पूंछ के शरीर का जो पंख जैसा भाग होता है उसको हम फिन्स बोलते हैं। ओके, जो पूंछ के जो पंख हैं उसके द्वारा ये झटके लगाए जाते हैं। ओके, नाउ यू मे हैव नोटिस दैट फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। तो आपने ये नोट भी किया होगा कि पूंछ को छोड़ करके और हिस्से पर यानी बीच में भी जो मछली है उसके फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, जो कि उसको मदद करते हैं बॉडी का बैलेंस रखने के लिए। ओके, एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, और उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तैरते वक्त एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजली इन वाटर? तो क्या आपने कभी नोटिस किया है जो डाइवर्स होते हैं, जो तैराक होते हैं, वो फिन लाइक फ्लिपर्स डाल लेते हैं? ओके, उनके पैरों में फिन लाइक फ्लिपर्स को डाल लेते हैं। कहने का मतलब कि जो डाइवर्स होते हैं वो अपने पैरों में जैसे मछली के जो ये पंख हैं इन्हीं की तरह के फ्लिपर्स डाल लेते हैं ताकि उनको तैरने में आसानी हो। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ डज स्नेक मूव्स। तो अब देखते हैं स्नेक यानी सांप कैसे चलता है। हैव यू सीन अ स्नेक स्लिदर? क्या आपने कभी सांप का रेंगना देखा है? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या वो सीधा चलता है? एज शोन इन द फिगर 8.25। ओके, नो, वो सांप जो है वो कभी सीधा नहीं चलता। ओके, स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। जो स्नेक है उसकी एक लंबी हड्डी होती है, कमर की हड्डी या रीढ़ की हड्डी हम बोलें। ओके, दे मे हैव मैनी थिन मसल्स, और उसमें काफ़ी पतली पतली मसल्स होती हैं। ओके, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, मसल्स ऑल्सो इंटर कनेक्ट द बैकबोन। जो मसल्स होती हैं वो बैकबोन से भी इंटरकनेक्टेड होती हैं, रिब से भी इंटरकनेक्टेड है, पसलियों से भी और स्किन से भी। ओके, जो स्नेक है, स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। तो जो स्नेक की बॉडी है वो काफ़ी लूप्स बनाती है, काफ़ी घुमाव बनाती है। ओके, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। और हर एक जो घुमाव है उसकी बॉडी का, जो हर एक घुमाव है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर 8.25 में देख सकते हैं कि जो हर एक घुमाव है वो उसको आगे की तरफ चलने में मदद करता है, आगे की तरफ पुश करता है। कैसे पुश करता है? वो जो घुमाव है उसकी बॉडी उस घुमाव पर से ग्राउंड को प्रेश करती है और वो स्नेक आगे की तरफ मूव करता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश। ओके, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है ये क्या कहती है, इसकी एक लंबी बॉडी है और लंबी बॉडी होने के कारण इसमें काफ़ी सारे लूप्स बनते हैं, काफ़ी सारे घुमाव ये सांप जो है बना लेता है। ओके, जैसे ही काफ़ी सारे लूप्स होंगे तो हर एक लूप इसको फॉरवर्डली पुश करता है, और अगर काफी सारे लूप्स होंगे तो ये जो स्नेक है वो काफी फास्ट चलेगा। ओके, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। ओके, वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अभी हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की जो बोन्स और मसल्स के बारे में हमने पढ़ा। ओके, पहेली एंड बुजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। ओके, जो पहेली और बुजो हैं उनके बैग में द न्यू वर्ड फॉर यू हेयर इज सैक। ओके, SACK। सैक का मतलब होता है बैग या फिर एक बोरा हम बोले। ओके, तो उनके बैग में काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि जो किससे रिलेटेड है, जो एनिमल्स यानी पशुओं की गतिविधियों से रिलेटेड हैं। सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर माइंड। तो क्या आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस गूंज नहीं रहे होंगे? बिल्कुल गूंज रहे होंगे। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स Asked herself these questions। तो एक जो प्राचीन ग्रीक फिलोसफर हैं अरिस्टोटल। ओके, तो उन्होंने अपनी बुक गेट ऑफ एनिमल्स, गेट मैं आपको दोबारा से बता दूं कि पशुओं की चाल। ओके, गेट का मतलब होता है चाल। ओके,
तो उन्होंने अपनी बुक में काफी क्वेश्चंस अपने आप से पूछे थे, जैसे व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव वे दे डू ओके. तो उन्होंने पूछा कि जैसे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें काफी सारे अलग अलग एनिमल्स हैं, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं, या फिर वे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एनिमल्स को उसी तरह क्यों मूव कराते हैं जिस तरह वो चाहते हैं. ओके, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स. तो इन बॉडी पार्ट्स में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो अलग अलग जगह पर जाने के लिए जो एनिमल्स हैं उनको कितने बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है. ओके, जरूरत होती है. वाई 2 लैग्स फॉर ह्यूमन्स एंड 4 लैग्स फॉर काउज एंड बफेलोज. तो ह्यूमन के लिए 2 पाँव क्यों होते हैं और काउ और बफेलो गाय और भैंस के लिए 4 पाँव क्यों होते हैं. मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लैग्स. वाई वाई इज द बैंडिंग ऑफ आवर लैग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स. तो ये काफी सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि जो पैरों की संख्या है वो हमेशा इवन क्यों होती है, या हमारा जो पैरों का मोड़ना है वो हाथों के मुड़ने से अलग कैसे है. सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम ऑफ द आंसर्स थ्रू अवर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी आंसर्स, मैनी मोर आंसर्स. ओके, कुछ क्वेश्चनों के आंसर हमने इस चैप्टर के थ्रू पढ़ भी लिए, समझ भी लिए, और कुछ हो गए हमने हमें सर्च करने की ज़रूरत है. ओके, नाउ जस्ट रीड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द योगा गिवन इन द ब्लू. ओके, सो योगा फॉर बेटर हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए. योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन. योगा जो है ये एक इनवैल्यूएबल यानी अमूल्य गिफ्ट है. किसका? एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन का, प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य गिफ्ट है. ओके, द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को इंटरनेशनल डे के रूप में घोषित किया है. ओके, योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी. योगा जो है एक मनुष्य को हेल्दी, स्वस्थ रखता है. ओके, इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, एनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट एंड नॉट स्लाउच. ओके, तो ये जो योगा है ये एक आपको अपनी बैकबोन यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखने में मदद करता है और आपको योग्य बनाता है कि आप सीधे बैठें. ओके, नॉट स्लाउच. स्लाउच हेयर मीन्स कि आगे को झुककर बैठना या फिर आगे को कंधों को झुकाकर रखना, तो आपको उस पोस्चर से ये बाहर निकालता है और सीधा बैठने में मदद करता है. मैनी पोस्चर्स इन योगा रिक्वायर यू टू लिफ्ट योर ओन वेट विच हेल्प इन मेकिंग द बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प वार्ड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ओके, और मैनी पोस्चर्स, पोस्चर्स यानी मुद्रा, काफी मुद्राएं योगा के अंदर ऐसी होती हैं जो कि जिसमें कि आपको अपना वेट उठाना होता है, खुद का वेट उठाना होता है, और वो आपको मदद करती हैं कि आपकी बोन्स जो हैं, हड्डियां हैं, वो मजबूत बने और वार्ड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, जो ऑस्टियोपोरोसिस है उससे आपका बचाव होता रहे. वार्ड ऑफ का मतलब है बचाव. ओके, से बचना या उससे बचाव होना. ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग ज्वाइंट पेन. और वो ज्वाइंट यानी जो जोड़ होते हैं उनको, उनके पेन से भी हमें राहत दिलाता है. विच इज़ मोस्टली ऑब्जर्व इन एल्डरली पीपल. जो बुजुर्ग लोगों में काफ़ी देखने को मिलता है कि घुटने का जोड़ या किसी भी जोड़ का जो दर्द होता है वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्गों में देखने को मिलता है. ओके, इस दर्द से भी राहत दिलवाता है कौन? योग. ओके, इट ट्यून्स ऑल मसल्स इन आवर बॉडी एंड कीप्स देम एक्टिव. ये हमारी बॉडी के अंदर जो इतनी भी मसल्स होती हैं उनका तालमेल बनाए रखता है और हमें एक्टिव रखता है. इट कीप्स द हार्ट हेल्दी एंड मेक इट वर्क मोर एफिशियंटली. और ये जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, उसको स्वस्थ रखता है और जो हमारा शरीर है उसको अलाउ करता है कि, और हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसको अलाउ करता है कि वो और निपुणता से कार्य करे. ओके, सर्टेन योगा पोस्चर्स शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेन पर्सन. और कुछ योगा पोस्चर्स, कुछ योगा की मुद्राएं ऐसी होती हैं कि वो किसी प्रशिक्षण
शिक्षित या फिर किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के निरीक्षण के अंदर ही परफॉर्म करनी चाहिए, यानी प्रदर्शित करनी चाहिए. ओके, एक सुपरविजन ऑफ ट्रेन पर्सन के अंडर ही हमें ये कुछ पोस्चर्स हैं योगा के जो परफॉर्म करने चाहिए. ओके, तो योगा हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है और इसको हमें अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व करना चाहिए. नाउ यू मे हैव अ लुक ओवर द कीवर्ड्स. ओके, नाउ लेट्स रिवाइज द समरी. Bones and cartilage form the skeleton of the human body. It gives the frame and shape to the body and helps in movement. It protects the inner organs. जो bones है और cartilage है, okay, हमारे शरीर के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो skeleton, एक खांचा तैयार करते हैं. okay, जो कंकाल है human body का, उसको तैयार करते हैं. okay, और it gives frame and shape to the body and helps in movement. और वो body को, शरीर को आकार देता है और movement में हेल्प करता है. इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स, और इनर ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है, उनका ये बचाव करता है. ओके, द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेस द स्कल एंड बैक बोन, रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन, शोल्डर एंड हिप बोन्स एंड द बोन्स ऑफ द हैंड्स एंड लेग्स. जो ह्यूमन स्केलेटन है वो किन किन चीज़ों का बना होता है, वो खोपड़ी का यानी स्कल का, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, रिब्स हैं, पसली हैं, ब्रेस्ट बोन्स हैं, शोल्डर बोन्स हैं, हिप बोन्स हैं, या फिर बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स हैं. इन सभी बोन्स का, हड्डियों का, वो जो कंकाल है वो बना होता है. ओके, जो मानव कंकाल है वो बना होता है. द बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स. जो बोन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो किस की मदद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, वो जो हड्डियां हैं वो मूव की जाती हैं, यानी कि उनको मूव किया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन. एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जो सिकुड़ना है, सिकुड़ना और रिलैक्सेशन, रिलैक्स होना ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स, यानी कि दो मसल्स एक बोन को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ओके, द बोन जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे अलाउ. ओके, जो बोन्स हैं, द बोन जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स दे अलाउ. जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स के जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, वो काफ़ी प्रकार के हैं और उनके नेचर पे डिपेंड है कि जो वो मूवमेंट को अलाउ करते हैं, किस टाइप की मूवमेंट को अलाउ करते हैं, वो उसके नेचर पे, यानी कि टाइप ऑफ जॉइंट पे डिपेंड करता है. ओके, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड्स फ्लाई. स्ट्रॉन्ग मसल्स जो हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी मसल्स, मजबूत मसल्स हों, और लाइट बोन्स, और हल्की, काफ़ी हल्की जो हड्डियाँ होती हैं वो हेल्प करती हैं जो पक्षी होते हैं उनको उड़ने के लिए. ओके, दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स. वो उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, अपने जो विंग्स हैं उनको फड़फड़ा कर उड़ते हैं. ओके, फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाना. ओके, अपने विंग्स को फड़फड़ा कर उड़ते हैं. नाउ फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटली ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी. और जो फिश है, मछली है, वो अपने फिन्स को, अपने पंखों को लूप बना करके आगे की तरफ स्विम करती है. ओके, स्नेक स्लीदर ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज. ओके, जो स्नेक है यानी सांप है, वो जमीन पर रेंगता है, कैसे, बाय मेकिंग द लूपिंग साइडवेज. साइडवेज में यानी कि साइड में घुमाव बना करके. अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड. और उससे जो जो स्नेक है, सांप है, उसकी जो शरीर की हड्डियां होती हैं या उससे एसोसिएटेड यानी कि उससे जुड़ी हुई जो मसल्स होती हैं, वो उसकी बॉडी को आगे की तरफ पुश करती हैं. ओके, आगे की तरफ धकेलती हैं. द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोचेस हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग एन आउटर स्केलेटन. जो बॉडी है, शरीर है कॉकरोचेस का, बॉडी यानी शरीर और जो उसकी पांव हैं, वो उसको एक हार्ड हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग है ना, आउटर स्केलेटन. तो उसके पास, कॉकरोच के पास, बॉडी के साथ साथ जो लेग्स हैं उनके पास एक अच्छी खासी सख्त कवरिंग होती है, जो कि उसका आउटर स्केलेटन को, यानी कि जो कि कॉकरोच का एक ढांचा तैयार करता है, उसके ढांचे में जैसे उसका शरीर है. ओके, लेग्स हैं और एक हार्ड कवरिंग है. द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विद द थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स एंड टू पेयर्स ऑफ विंग्स हेल्प द कॉकरोच टू वॉक एंड फ्लाई. जो मसल्स हैं, ब्रेस्ट मसल्स हैं, वो उसके पाँव के तीन पेयर के साथ और उसके पंख के दो पेयर के साथ जुड़ी हुई होती हैं और उसको मदद करती है चलने में और उड़ने में. ओके,
जो अर्थवर्म है मूव बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी यूजिंग मसल्स. ओके, जो कैचुआ है वो अल्टरनेट एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की मदद से अपनी जो उसकी मसल्स होती हैं, उसकी मसल्स अल्टरनेट यानी कि एकांतर एक्सटेंशन फैलाव करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और उसके फैलाव से और सिकुड़न से ही वो चल पाता है. ओके, टाइनी ब्रिसल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन ग्रेबिंग द ग्राउंड. और उसकी बॉडी कि जो नीचे का हिस्सा है उस पर ब्रिशल्स होते हैं. ब्रिशल्स मैंने आपको बताया कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसको ग्राउंड से अच्छी पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं. ओके, स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर फुट. जो स्नेल्स यानी घोंगे होते हैं, घोंगा हिंदी में हम इसको घोंगा बोलते हैं, जो स्नेल्स होते हैं वो अपने मस्कुलर फुट की मदद से चल पाते हैं. ओके, यानी कि जो मांसपेशियों से जो बना फुट होता है, पैर होता है, उनकी मदद से ये स्नेल्स चल पाते हैं. ओके, नाउ यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड फॉर गेटिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दिस एक्सरसाइज यू हैव टू जस्ट वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.